नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने किया नई कार्यकारिणी का गठन। रविवार को उपजा प्रेस क्लब में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बरेली के पदाधिकारियों ने नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव मोहम्मद अली रहे। इस मौके पर एडवोकेट एजाज अंसारी को प्रदेश महासचिव, मोइनुद्दीन को मंडल अध्यक्ष, मोहम्मद यूसुफ खां को जिलाध्यक्ष तथा अशरफ अली को युवा जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर नए सदस्यों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इसकी जानकारी देते हुए नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव मोहम्मद अली ने कहा, ये हम नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के पुनर्गठन को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। फिर से पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में खड़ा करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें जिलाध्यक्ष यूसुफ साहब को लिया है और युवा जिलाध्यक्ष अशरफ साहब को लिया है, युवा जिला उपाध्यक्ष सत्यम साहब को लिया है और एक सबाइन को मंडल अध्यक्ष मुनीर साहब को लिया। आपको प्रदेश सचिव में हर 16 मंडल हैं, हर मंडल से हमें प्रदेश में नेता लेना है, इनको प्रदेश सचिव लिया है। इससे पूरी कार्यकारी हम प्रदेश में गठन करके और हम उसूलों की लड़ाई लड़ेंगे। आज जो जनता का है, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें जो हैं, किसान, सारी चीज़ जो हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, मंदिर मस्जिद नहीं देखना है, हमें इस देश को आगे ले जाना है। और इस देश को आगे ले जाने के लिए और अगर सरकारें हैं उनका सपोर्ट करेंगे, जो सरकार आएगी अगर वो अच्छा काम करती है उसके सपोर्ट में हम समर्थन करेंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे। और सृजन वेलफेयर सोसाइटी ने बांटे गरीबों को कपड़े व घर का जरूरी सामान। सृजन सोसाइटी जरूरतमंदों और गरीबों को पुराने कपड़े, कंबल, चादरें, खिलौने वगैरह सामान जो घर में इस्तेमाल में नहीं किए जा रहे हैं उनको बांटती है, ताकि वो किसी जरूरतमंद के काम आ सके। ऐसे ही सामान को रविवार को संस्था के पदाधिकारियों ने गरीबों व जरूरतमंदों को बांटा। इस मौके पर संस्था की अध्यक्षा दीक्षा सक्सेना ने बताया, जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर देख सकते हैं, जरूरतमंदों को आज हमने गर्म कपड़े, चादरें, कंबल और पुराने किताबें, कॉपी, ये सब बांटने का आज हमने, जो भी इनकी डेली नीड की जो भी आइटम्स हैं, जो हमारे लिए नहीं है काम की लेकिन इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इस्तेमाल में हमने जा रहे हमारे बेमोल है। सर्दी पड़ रही है और ये बेचारे आप देख रहे हैं इनके पास ढंग से कपड़े भी पहनने के लिए ना चप्पल है, तो ये हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि आज का दिन हम इनके नाम समर्पित करें और ये जितना भी हम लोगों से ये फ्री है कि हम इनके काम आए और हम इनको अपनी तरफ से ये पर्सनली देना चाहते हैं। चित्रांश महासभा कराएगी फरवरी में सर्वजातीय विवाह सम्मेलन। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा बरेली द्वारा एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सक्सेना के अनुमोदन पर अंकिता ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक व चेयरमैन अनिल कुमार सिन्हा को महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मौके पर शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि फरवरी माह में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा एवं महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में जनहित में प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वजातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया, ये हम लोग अखिल भारतीय चित्रांश महासभा एवं महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष चेयरमैन अनिल कुमार सिन्हा जी हैं, के सहयोग से बरेली के अंदर सामूहिक विवाह कार्यक्रम फरवरी के माह में करेंगे और इससे गरीब जनता को आर्थिक रूप से थोड़ा कम स्थिति रखने वाले परिवारों को लाभ पहुंचेगा। आज परिवार के अंदर लड़की की शादी एक बड़ी समस्या होती है। लड़की की शादी में परिवारों को कर्जा लेना पड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी कहीं कहीं बेचना पड़ती। हम ये चाहते हैं, हमारा समाज और महेश्वर लक्ष्मी फाउंडेशन ये चाहते हैं कि लड़की को घर के अंदर अभिशाप ना समझा जाए, बेटा बेटी एक समान माने जाएं और लड़की की शादी में कोई दहेज रूपी बंधन नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी की कोशिश कर रहे हैं कि लड़के लड़की को, नव विवाह नव दंपति को आगे की जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यक सामान होता है वो समाज की ओर से दिया जाए, सरकार के सहयोग से दिया जाए, लेकिन खाली माँ बाप के ऊपर नहीं। माँ बाप जो अपनी तरफ से बच्चे को देते हैं वो दें, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है। हम उस समाज की जो जिम्मेदारी है उसकी पूर्ति के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं,
ताकि किसी भी परिवार में लड़की बोझ ना बने। और ये कार्यक्रम हमारा फरवरी महीने में होगा, जिसमें हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। इस मौके पर नवनिर्वाचित महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि एक क्रांति लाना चाहता हूं इसमें, कि समाज भी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इन बच्चियों के चेहरे पर भी मुस्कान हो और इन पिता के भी चेहरे पर मुस्कान हो, फादर और मदर का। क्योंकि कभी देखा गया है कि अगर लड़कियों की शादी अगर फादर मदर कर देते हैं तो समझते हैं कि भाई मैं तो गंगा स्नान कर लिया। तो इतनी बड़ी बोझ जो एक सामाजिक बोझ है, पारिवारिक बोझ है, उससे उन्मुक्त कर समाज की जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है। गन्ने की ट्राली पलटने से किसान की दबकर मौत। थाना फरीदपुर के पचौमी गांव निवासी भावो प्रकाश मिश्रा का 24 वर्षीय बेटा अरुण मिश्रा उर्फ लालू खेती किसानी का काम करता था। बीती रात वो खेत में ट्राली में गन्ना भरवा रहा था, इसी बीच ट्राली में ओवरलोड होने के कारण सारा गन्ना अरुण के ऊपर पलट गया। जब तक लोगों ने उसे गन्ने के नीचे से निकाला तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं परिवार वालों को जब उसका पता चला तो उनके घर में कोहराम मच गया। जिस अरुण की शादी होने वाली थी उसकी मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया। इसकी जानकारी देते हुए मृतक के भतीजे ने बताया कि कल शाम को ट्रैक्टर ट्राली के पास खड़े हुए थे, ट्राली पलट गई और इनके ऊपर सारा गन्ना आ गया। मौके पे खत्म हो गया, जब तक अस्पताल में लेके गए तब तक इनकी डेथ हो गई। राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने नगर निगम से की बढ़ती ठंड में अलाव की मांग। कहा जाता है कि पूस का महीना बहुत ठंडा होता है। इस महीने में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता रहता है, जिसको लेकर गरीबों का सहारा सिर्फ लकड़ियों का अलाव है। इसको लेकर राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन जिला इकाई के पदाधिकारियों ने नगर निगम से कुछ ज्यादा अलाव की मांग की है। इस मांग को लेकर पदाधिकारियों ने महापौर को एक ज्ञापन भी दिया था, जिसमें मांग की गई कि शहर में गरीब तबके को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी ने बताया लोग आज जैसे राजजाग फाउंडेशन द्वारा ना जैसे नगर निगम हर साल अलाव का इंतजाम कराता है, लेकिन इस साल क्या विभिन्न चौराहों पर अलाव का कोई भी इंतजाम पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ, क्योंकि शहर में अब ठंड चरम पे आ चुकी है। ठंड बढ़ती ठंड को देखकर और कहीं भी शहर में बिल्कुल ठंड से ठिठुरते हुए गरीब लोगों के लिए जो नगर निगम द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम सोया हुआ है और नगर निगम ने कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। क्या नगर निगम इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब ठिठर तो गरीब लोग जब ठंड से मरेंगे उसके बाद अलाव का इंतजाम होगा? हम लोग नगर निगम से आज मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द विभिन्न शहरों पर और शहर के प्रमुख स्थानों पर, प्रमुख चौराहों पर जहां पे गरीब लोग हाथ देखते हैं और रिक्शे वाले अन्य सभी लोग हाथ, जल्द से जल्द अलाव का इंतजाम किया जाए। अगर अलाव का इंतजाम करने के लिए राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन से कोई भी सहयोग लेना हो, संगठन हमेशा नगर निगम के साथ है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। All right.
नमस्कार, एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। थाना बारादरी क्षेत्र के लोग मिले आईजी से। पिछले दिनों थाना बारादरी क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने क्षेत्र के करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो समय समय पर क्षेत्र के लोगों को परेशान कर रही है। इस बात को लेकर क्षेत्रवासी आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले की शिकायत आईजी से की है। शिकायत करने आए क्षेत्रवासी ने बताया, यहाँ बिल्कुल दुकानें भी बंद करे हुए हैं, पुलिस बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मोहल्ले में सन्नाटा मचा हुआ है, लोग अपने अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों से बाहर भागे हुए हैं, रोज मजदूरा रोज सुबह कमाना शाम खाना, वो भी हम अपने अपने घर से भागे हुए हैं। क्या काम पे जाने के लिए पुलिस रोक रही है आपको? बिल्कुल, घर पर ही नहीं है तो लोग अज्ञात लोगों की वजह, अज्ञात जो नाम लिखे हुए हैं पुलिस ने 30-35 अज्ञात लोग, उसकी डर की वजह से मोहल्ले में कोई भी शख्स नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा किसान मोर्चा ने मनाया चौधरी चरण सिंह का 116वां जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के पदाधिकारी व सदस्य रविवार को कचहरी पर बने चौधरी चरण सिंह पार्क पर पहुंचे और चौधरी चरण सिंह अमर रहे इसके नारे लगाए। साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा उन्हें किसानों का सच्चा नेता बताते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इसकी जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष ओमवीर सिंह ने बताया, चौधरी साहब सच्चे किसानों के हितैषी थे और जातिवाद के पूर्ण तरह से खिलाफत करते थे। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जितना अब तक किया है, उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, और आज तक चौधरी साहब के बराबर का कोई आदमी मोदी जी को छोड़ के कोई नहीं हुआ। वहीं मौजूद किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष आदेश सैनी ने बताया कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। चौधरी चरण जी के जयंती पर हम भाजपा किसान मोर्चा उनको सत सत नमन करता है। उन्होंने देश के लिए जो इतना बड़ा बलिदान दिया, आज हम सब लोग उनको सत सत नमन करते हैं। जय हिंद। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल जाट महासभा के पदाधिकारियों ने चौधरी चरण सिंह पार्क पर पहुंचकर एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर आईएस तोमर रहे। चौधरी चरण सिंह के साथ रहे रूप सिंह यादव ने गोष्ठी में उनकी यादों को ताजा किया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मिठाई बांटी। इस मौके पर डॉक्टर इकबाल सिंह तोमर ने बताया, हमारे नेता किसानों के नेता, किसानों को मसीहा चौधरी चरण सिंह का 116वां जन्म दिवस है, उसको मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं, और उनके आचरण और उन्होंने जो नीतियाँ बनाई किसानों के लिए, यदि वो आज अप्लाई हुई होती तो जो किसानों की दुर्दशा है और लोन माफ़ी की बात हो रही है, इन सब की जरूरत ना पड़ती, लेकिन वो अपनाई नहीं गई, तो वो तो एक किसानों के लिए ही जिए, किसानों के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, और वो जो मैसेज छोड़ गए, एक ज़माना था जब जवाहरलाल नेहरू सहकारी खेती की बात कर रहे थे, सहकारी खेती वो रसा से सीख के आए थे, उसमें टोटल सरकार मालिक है, सारे किसान मजदूर होते, उसका विरोध किया और वो लागू नहीं होने दिया, तो उन्होंने किसानों के लिए जो किया वो आज तक किसी नेता ने नहीं किया, और आज जो हो रहा है। वहीं अपनी आप बीती बताते हुए रूप सिंह यादव ने बताया, रूप सिंह जी जाना चाहेंगे आप चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, जी हाँ, तो उस समय का दौर और आज के दौर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? उनके दौर में ईमानदारी थी, आज तो बिल्कुल नहीं है, और उनके दौर में किसान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, और उनके दौर में भ्रष्टाचार दूर दूर भाग रहा था, और वो बहुत कर्मठ और जुझारू नेता थे, उनके ईमानदारी में और चरित्रवान में उनसे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में बहुत कम लोग पाए जाएंगे। तो उनके साथ आप रहे हैं? जी हाँ, रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई खास बात बताइए? बात विशेष ये थी कि सबसे पहले उन्होंने दबे कुचले लोगों को, पिछड़ी जाति को, दलितों को
आगे बढ़ाने का काम किया। उनके दौर में जो यहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए, यहाँ पर उनके मंत्री प्रधानमंत्री के पद उसमें मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए वो अधिकतर पिछड़ी जाति के और किसान वर्ग के लोग थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 वार्ड पार्षदों को किया गया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली के 6 वार्ड, बहेड़ी का 1 वार्ड सहित 10 वार्ड पार्षदों को स्वच्छता के चलते पुरस्कृत किया गया। ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मेयर डॉक्टर उमेश गौतम रहे। विशिष्ट अतिथि एडीएम प्रशासन राम सेवक द्विवेदी तथा नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव रहे, जिन्होंने वार्ड पार्षदों को उनके वार्ड में साफ सफाई होने पर पुरस्कृत किया। इस मौके पर एडीएम प्रशासन राम सेवक द्विवेदी ने बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन वर्तमान सरकार है, उनकी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में है, नगर विकास द्वारा योजना संचालित है कि स्वच्छ जो भारत उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय हैं, नगर निगम हैं, यहाँ पे इनकी स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाए। तो इसमें प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए वार्डों में ये स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा 2018 के नाम से संचालित किया गया। तो इसमें निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत, इनमें सफाई का विशेष अभियान माननीय सभासदगण, माननीय अध्यक्षगण, माननीय मेयर साहब, ये सभी लोग सक्रिय हुए हैं। तो इससे एक अच्छी प्रतिस्पर्धा जो है, और विशेष करके सभासदगण भी, पार्षदगण भी इसमें सक्रिय हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में जो खोमचा लगाने वाले हैं, रोडवेज, पब्लिक स्थल जो हैं, सब जगह साफ सफाई का विशेष संदेश और क्रियाशीलता बढ़ी है। इस स्पर्धा से निश्चित रूप से प्रदेश में स्वच्छता का जो अभियान है ये इस प्रभावी ढंग से एक्टिवेट हो रहा है। हमारे जनपद में निगम में जो सभासद वार्ड के पार्षद साहब जो हैं वो भी सम्मानित किए जाएंगे यहाँ पे, और नगर पालिकाओं में आंवला, फरीदपुर, बहेड़ी और पंचायत में विशारदगंज, ये जो है अच्छे घोषित किए गए हैं, जो रैंकिंग हुई है उसमें। वहीं नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। पूरे प्रदेश में बिल्कुल अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम हुआ था। अपने वार्डों, जो हमारे नगर निकाय के वार्ड हैं, उनमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुई थी कि कौन वार्ड अपना, जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, कौन ज़्यादा एक्टिव रखे स्वच्छता, यानी गंदगी नहीं होने देते। तो उसमें नगर निगम के 5 वार्ड हैं, आंवला के 3 वार्ड हैं नगर पालिका के, और फरीदनगर के 1 हैं, और 1 बहेड़ी का है। तो वहाँ के चेयरमैन को और वहाँ संबंधित वार्ड मेंबर और जो हमारी स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने वोटरों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रगतिशील हैं। इसी कड़ी में भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार व विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष रविंदर राठौर रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने सिक्कों से तोला। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह राठौर ने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा, आज अल्पसंख्यक मोर्चे का जिले का सम्मेलन है और मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के यहाँ आए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम और संख्या की दृष्टि से भी, और मुझे लग रहा है बरेली के जिले के सभी प्रमुख और युवा, और ख़ास तौर से युवा जो हैं लोग जुड़े हैं, और इससे साफ संदेश है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसे समझते हुए आज अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और जुड़ा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का और बहुत मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर से बरेली ज़िले में, जो बरेली ज़िले में इतनी अच्छी संख्या इन्होंने एकत्र की है, और एकत्र नहीं बल्कि लोग आए हैं स्वयं, तो उससे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बरेली में अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत ही मजबूती से काम करेगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मिलेगा, और पार्टी भी अल्पसंख्यक मोर्चे का पूरी तरह से ध्यान करने के लिए कृतसंकल्प है।
वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज मियां ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास को लेकर 2019 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी को लेकर हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्यक समाज को जोड़ें, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं जो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लागू की गई हैं उनको लोगों के बीच में रखकर लोगों को बताना है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार कितना काम कर रही है। वो कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद हों तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, इसको चरितार्थ कर दिखाया है बरेली की साधना शर्मा ने। कल जैसे ही बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को सिग्नल मिला, साधना ने ट्रेन को चलाना शुरू किया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6:55 पर मुरादाबाद पहुंचा दिया। साधना की हिम्मत, जज्बे और जुझारूपन का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि लोको पायलट की जॉब बड़ी कठिन परिस्थितियों की जॉब है, क्योंकि धुंध, कोहरा, दिन रात, आंधी तूफान में सभी मौसम में लोको पायलट को लगातार ट्रेन दौड़ानी होती है। इस सबसे बेफिक्र किए साधना ने इस चैलेंज को स्वीकार और दिखा दिया कि अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। साधना शर्मा मूलतः कालीबाड़ी बरेली की रहने वाली हैं। इनके पिता राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली में कार्यरत हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया है। डिप्लोमा करने के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद से लोको पायलट के लिए चयनित हुई और शुरुआती नियुक्ति लखनऊ मंडल में हुई और एक वर्ष के बाद अब ट्रांसफर होकर बरेली आई है। अंतर्राष्ट्रीय योगी सेना के पदाधिकारियों ने की जनसभा। रविवार को योगी सेना के पदाधिकारियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं पदाधिकारियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इनर व्हील क्लब बरेली की नई टीम का गठन। रविवार को इनर व्हील क्लब के तत्वाधान में 2019-2020 का चुनाव किया गया। ये चुनाव शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर यशपाल गिरी नामक विकलांग को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। शहर विधायक ने इस मौके पर बताते हुए कहा, बरेली आज एक विकलांग को ट्राइसिकल दी गई और इन लोगों ने इसको मैंने देखा कहते हुए इन लोगों को सुना कि इन्होंने इससे यही कहा कि तुम इस पे बैठ के कहीं आना जाना हो वहाँ जाओ, जहाँ काम करते हो वहाँ जाओ और कुछ स्वरोजगार करो। कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ रख ली, बेच कहीं बेच आए, सब्जी रख ली सब्जी मंडी से खरीदी, लोगों के घरों में बेच आए, इस पे बैठ के भीख मांगना, ऐसा इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने इनसे कहा। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने किसी को ट्राईसिकल दी और इस उम्मीद से दी कि उसको स्वावलंबी बनाए ताकि वो अपने लिए कुछ कमाई कर सके, परिवार का भरण पोषण कर सके। अब एक विशेष सूचना। सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या फिर हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।